आज हम लोग देखते हैं कि आपको कई भी कोई भी एडिक्शन है उससे कैसे आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, एडिक्शन से बाहर आने के लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि उसका पर्पस, मुझे नहीं करना क्यों नहीं करना भाई, उसके पीछे स्टोरी, उसके भी एक वजह होना चाहिए। उससे आपका पर्पस होगा तो आप इस सब चीज़ से बाहर आ सकते। पर्पस नहीं है तो करते रहोगे ऐसे चलते रहेगा। सो आपको एक पर्पस पता करना है। जैसे आप अगर फ्रेंड्स के साथ, हम लोग सीधा रोज़ सैटरडे संडे बैठते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, या अकेले बैठते हैं, बाहर में जाके बैठते हैं, स्पेंड करते हैं, एक बार सोचो कि ये जो मेरा शाम का समय कितना वेस्ट हो रहा है, मुझे आगे मेरा ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर मेरा फ्रेंड्स के साथ एक दिन वो पे करेंगे, एक दिन आपको पे करना पड़ेगा, जो 2,000, 5,000, 10,000 जो भी बिल आता हो। अगर यही चीज़ हमारा घर पे बच्चे के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो गरीब है, जिसको एक समय का खाना नहीं है, कहीं ना कहीं आप एक उसका पर्पस निकालोगे कि मुझे क्यों नहीं स्पेंड करना चाहिए, तभी आपको उससे बाहर आ सकते हो। अदरवाइज़ छोड़ दूंगा, कल से नहीं करूँगा, ये कल कभी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। सो हर चीज़ के लिए आपको एक पर्पस होना चाहिए तो आप और अंत तक अचीव कर सकते हो। सेकेंड, इससे बाहर आने के लिए आपको एक लाइफ में गोल होना चाहिए कि ये मेरा गोल है, मैं ऐसे ही ये गोल अचीव करने के लिए मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो आप वो गोल की तरफ जा सकते हो, राइट। और या तो कमिटमेंट, आपने मेरा गुरु का वीडियो देखे रहेंगे, जो गुरु ने बोला कल से सबको मूछ निकालना है, तो मूछ निकाल दिया, राइट। तो वैसे एक कमिटमेंट, इन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा तब से नहीं करूँगा, ये सब सबकी बस की बात नहीं है, बहुत ही उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, अंदर से एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो सबकी बस की बात नहीं है। एनीवे, मुझे कुछ ऐसे फ्रेंड्स है, उन्होंने अचानक स्मोकिंग छोड़ दिया। बोले यार ऐसा कैसा छोड़ दिया, नहीं एक दिन ऐसे ढूंढा था, मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर तब से मैं पीना छोड़ दिया, पैसा नहीं है उसके बाद, अभी तो है ना, नहीं उस दिन छोड़ा तो छोड़ दिया। बोले बस ऐसे छोड़ दिया। तो ऐसे कुछ भी लोग हैं जो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतना कमिटमेंट, इतना स्ट्रांग, क्योंकि मुझे जिस दिन पैसा नहीं मिला उस दिन मुझे पैसे की वजह से पी नहीं पाया, अभी तो लाखों लाख रुपया है लेकिन अभी नहीं पीते हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं, जिसके थ्रू भी आप कुछ एडिक्शन से बाहर आ सकते हो, राइट। थर्ड बात करते हैं, मेडिटेशन, योगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ही ध्यान रखेंगे तो उसके थ्रू आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि आपका फोकस पूरा उसमें हो जाएगा, तो फिर आप उससे आ सकते हो। और थर्ड हो गया। फोर्थ में बताएं कि आप खुद ही अपने आप को ध्यान रखो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अकेले मेड में सोचते हैं। अभी जैसे दारू पीने का ही मैंने कहा रेगुलर हो गया, बोले कितना खर्चा करते हैं यार, क्या करते हैं फुकड़ में, ये सब क्या देना है, नहीं करना है कल से, कुछ भी हो, या स्मोकिंग हो, ये हो, फिर कोई भी घूमना हो, पैसा खर्चा करना हो, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, छोड़ देना, एक बार आप उसको सोचेंगे तो उससे बाहर आ सकते हो। किसी का सट्टा का ऐसे अडिक्टिव होता है, यू नो, इंट्राडे मार्केटिंग करके पैसा इतना लाखों रुपया गवा डाले, वो भी डब्बा ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, करोड़ रुपया गवा के बैठते हैं, अडिक्शन, क्योंकि उनसे उससे बाहर नहीं आना पड़ता। एक दिन आप बैठ के आप सोचना चालू करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे मुझे नहीं करना, ये गलत हुआ, जो भी है, आप उससे बच सकते हो, राइट। ये चौथा, लास्ट, फाइनल, अगर कुछ भी नहीं हुआ, हर जगह से आप कुछ जीत नहीं पा रहे हो, एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, एक ही रास्ता है, प्रोफेशनल्स, जो मास्टर्स हैं, मेंटर है, प्रोफेशनल्स हैं, जो इसके बारे में हर चीज़ जानते हैं। आपके लिए दुनिया में हर एक चीज़ से एक चीज़ होगा, लेकिन उनके लिए यही ज़िंदगी है, यही चीज़ सुधरने में उनकी ज़िंदगी गई है, तो उनके पास आप जा सकते हो, वो आपका इस एडिक्शन से दूर ला सकते हैं, और हमेशा के लिए आप इससे क्यूर हो सकते हो। सो उनको नज़रअंदाज मत करिए, ये 4-5 चीज़ें, कोई चीज़ आपको छोड़ना है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इमीडिएटली आप इससे बाहर आ सकते हो। थैंक यू।